मुस्लिम लीग नून में लीडरशिप के लिए दौड़ लगी है। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी दुश्मन उनकी अपनी पार्टी है। शहबाज शरीफ, मरियम और हुसैन भी बॉन्ड देने को तैयार नहीं। ये अस्पताल में ज्यादा महफूज थे। जब से घर मुंतकिल हुए हैं हमें ज्यादा तशवीश है। फवाद चौधरी ने शरीफ फैमिली और पार्टी को नवाज शरीफ के लिए खतरा करार दिया। अपोजिशन के धरने पर तनकीद करते हुए बोले, मौलाना ने शिद्दत पसंदी को हवा दी, प्लान ए की तरह प्लान बी से भी निपटेंगे। मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब की जान को मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से खतरा है, उनके घर वालों के एटीट्यूड से खतरा है। इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब को किसी से खतरा है, नवाज शरीफ साहब को की जान को इस वक्त किसी से खतरा है, तो वो इस वक्त खुद मुस्लिम लीग नून है। यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जेल में और अस्पताल में ज्यादा महफूज थे। जिस तरीके से उनकी टेक केयर की जा रही थी, जिस तरीके से उनकी सेहत का ख्याल किया जा रहा था, वो सर्विसेज हॉस्पिटल में जब जेल की कस्टडी में थे वो ज्यादा महफूज थे। अब जब से वो जाती उमरा गए हैं, असल में हमें उनकी सेहत के बारे में ज्यादा फिक्र लाहक हो गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो कहते हैं ना सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये अगर किसी ने अमली मिसाल देखनी है तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स देखे। वहां पे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के दरमियान एक दौड़ लगी हुई है कि जिस तरह से बादशाह बीमार होते थे तो उनके खिलाफ सारे साजिश शुरू हो जाते थे, इन चारों के दरमियान भी अभी दौड़ लगी हुई है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के लिए।